हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने ब्रेड सैंडविच बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच तेल, थोड़ी सी राई, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच खटाई, आमचूर पाउडर डालकर अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आलू, जो हमने मैश करके रखे थे, उबाल कर उसको इस तरीके से भून लेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाला है। मिर्च अपने हिसाब से डाल लें, तेज या हल्दी। हमने मटर के डाल ली है, इससे अच्छे लगता है ये। थोड़ा हरा धनिया, हमारा ये कितना अच्छा तैयार हो रहा, इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आ रहा। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो वो डाल दीजिए, अमचूर पाउडर डाल दीजिए, दोनों में से एक चीज डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा ही आएगा। स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हमने ये ब्रेड ली है, इसके सब तरफ ये ब्रेड लगा देंगे, दोनों तरफ इधर ये मक्खन लगा देंगे ब्रेड पर। उसके बाद हमने इस पर ये हरी चटनी लगा दी है, हरे धनिए की सैंडविच में लगाई जाती है, हमने घर ही बनाई है ये। आगे हमने आलू का जो ये बना कर रखा है मिक्सचर, तो इस पर ये लगाएंगे। ये आलू लगा दिया, अब इस पर हम इस पर ये शिमला मिर्च लगाएंगे। इस तरीके से हमने टमाटर लगा दिए, अब ये इस तरीके से हमने इस पर प्याज लगा दी है, इस पर ये हम हल्का सा चाट मसाला इस पर डाल देंगे। ये दूसरा प्लेट जो हमने इस पर लगाया था चटनी, और ये इस पर इस तरीके से करके हमने इस पर पहले इस पे ब्रेड लगा मक्खन लगा दिया है। इस पर हम इस ब्रेड को आराम से टिकने देंगे। इसी टाइप से हमने दूसरा तैयार कर लिया है। देखिए अब हम इसको तरीके से 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि 2 मिनट हो गए। अब स्लो हमने गैस कर रखी है, और हम इसको देखिए आराम से इसको पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, दोनों को पलट दिया है, कितना बढ़िया कलर आया है इसको, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसको। और हल्की आंच पर इसको बनाना है स्लो पर। आइए नीचे से भी करार हो गए हैं, और अब हम इसको ब्रेड में निकाल लेते हैं। ये
इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल देखिए कितने करारे हैं। देखिए देखिए इसमें हमने डाल लिए ऊपर से ये बारीक से हो, इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इतने बढ़िया लग रहे हैं। बच्चे तो कूद के खाएंगे इसको, देखते रह जाएंगे सब लोग। राजभर को कितना अच्छा सैंडविच बना है। और आप इसको छुरी से काट के इस तरीके से काट के और बच्चों को मेहमानों को सबको खिलाएं। देखिए कितना अच्छी बनी है। अगर हमारी आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।